बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर सियासी निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह का कांग्रेस में बार बार अपमान होता है। विजयवर्गीय ने ये बात मीडिया से खास चर्चा में कही और कांग्रेस के बिखराव पर खुलकर बेबाकी दिखाई। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिखाया सियासी आईना, दिग्विजय का कांग्रेस करती है अपमान, बोले कैलाश विजयवर्गीय। शराबबंदी के सवाल पर भी विजयवर्गीय ने दिखाई बेबाकी। एमपी में एक बार फिर से सियासी तलवारें खिंचती चली जा रही है। मामला जबलपुर में कैबिनेट मंत्री विजय शाह को लेकर दिग्विजय सिंह की दी सफाई का है, जिसके बाद अब भाजपा मुखर हो चुकी है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस दिग्विजय सिंह का 10 बार अपमान कर चुकी है, क्या वो भाजपा में आए जो अब मंत्री विजय शाह को सलाह दे रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी का 10 बार अपमान हो गया, कांग्रेस ने कर दिया, वो बीजेपी में आए क्या तो सलाह दे रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी का 10 बार अपमान हो गया, कांग्रेस ने कर दिया, वो बीजेपी में आए क्या तो इसे सलाह दे रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी का 10 बार अपमान हो गया, कांग्रेस ने कर दिया, वो बीजेपी में आए क्या तो इसे सलाह दे रहे हैं? वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर सामाजिक और आध्यात्मिक अभियान चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन राज्यों में शराबबंदी हुई है वहाँ अवैध शराब की बिक्री बढ़ी है। मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा और एक बार उमा जी से बात भी करूँगा, क्योंकि शराबबंदी एक ऐसा विषय है कि हमने जिन राज्यों में शराबबंदी हुई है वहाँ शासन ने तो शराबबंदी कर दी पर लोगों ने शराब पीना बंद नहीं किया, तो अवैध शराब पनप रही, तो एक बहुत सारे इसके एक अलग दृष्टिकोण से भी इसको देखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। एक बार उमा जी से बात करेंगे कि उनके दिमाग में क्या प्लान है, तो फिर उसके बाद इसके ऊपर कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। जबकि एक सवाल के जवाब में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल के सियासी हालातों पर बोलते हुए कहा कि वहां पर नेताओं पर झूठे मुकदमे लाद दिए जाते हैं, जिससे प्रभावित होकर नेता पार्टी बदल लेते हैं। ऐसा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के काम करना एक साहस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर इतने सारे केस लाद दिए जाते हैं, इतने सारे झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं कि आदमी परेशान हो जाते हैं। जैसे मुकुल राय सर का आदमी 60 केस लगा दिए तो डर के और वापस चले गए। अर्जुन सिंह के ऊपर 104 केस लगा दिए। बताइए, जब वो टीएमसी में थे तो साधु थे, जैसे बीजेपी में आए तो शैतान हो गए। तो 104 केस है उनके ऊपर, मर्डर से लेकर और सारे केस लगा दिए। मैं, आप सब लोग मुझे जानते हैं, मेरे ऊपर 20 से ज़्यादा केस है, और अभी जाऊँगा कलकत्ता तो पता नहीं और कितने के और केस लगेंगे। इसलिए पुलिस लॉ एंड ऑर्डर इसके प्रेशर के माध्यम से जो सहन कर पाता है वो विरोध में रहता है, जो नहीं सहन कर पाता है टीम से ज्वाइन कर लेता है। कुल मिलाकर अपने पारिवारिक आयोजन में इन दिनों व्यस्त चल रहे विजयवर्गीय समय समय पर अपनी सियासी ताकत का एहसास भी कराते जा रहे हैं और बयानों की बेबाकी से सियासी हवाओं का रुख बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर। आइडियलिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बीइंग टुडेज मॉडर्न गुरुकुल has the team of best faculties to ensure that they prepare them to become industry-ready professionals, along with complete placement assistance and support for every student to grow as the future of the nation. Idyllic Institute of Management.